नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक ही यदि अपने छात्रों को डराने धमकाने लगे तो छात्रों की रक्षा कौन करेगा, वह भी शिक्षा के मंदिर में। ऐसी घटनाएं संपूर्ण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रीवा जिले में, जहां प्रभारी प्राचार्य की धमकी से छात्र दहशत में है। मामला रीवा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़हर का है, जहां कक्षा 11वीं के छात्र सवर्ण कुमार पांडे नेता एक वीडियो जारी कर अपनी एवं अपने साथियों की प्रभारी प्राचार्य और उसकी शिक्षिका पत्नी की धमकियों से रक्षा करने की गुहार प्रशासन से लगाई है। बताया गया है कि गोडहर विद्यालय के कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र शिवम कुमार पांडे ने गणित विषय के शिक्षक कृष्णकांत वर्मा, जो कि प्रभारी प्राचार्य भी हैं, के खिलाफ क्लास न लेने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में 19 सितंबर 2022 को दर्ज कराई थी। इसके बाद जब छात्र सवर्ण कुमार अगले दिन 20 सितंबर को स्कूल गया तो कृष्णकांत वर्मा के द्वारा उससे जबरदस्ती पत्र लिखवाया गया कि मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं, जिसका वीडियो उसके दो अन्य साथियों ने बना लिया, जिस पर शिक्षक कृष्णकांत वर्मा छात्रों का मोबाइल छुड़ाकर अपने घर ले गए। जब यह तीनों बच्चे उनके घर गए तो शिक्षक कृष्णकांत वर्मा एवं उनकी पत्नी कल्पना, जो कि खुद पीके स्कूल में शिक्षिका हैं, दोनों ने छात्रों को विभिन्न तरीके से धमकी दी। जब धमकी से काम नहीं बना तो पैसे देने का लालच भी दिया। इसके बाद उनकी पत्नी कल्पना कनौजिया, जो कि सीएम राइज विद्यालय पीके में पदस्थ हैं, उन्होंने भी बच्चों को डराया धमकाया कि यदि तुम लोग अपनी शिकायत वापस नहीं लोगे तो तुम्हें स्कूल से टीसी दे दी जाएगी, फेल कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। इस तरह की धमकियों से बच्चे डर कर कागज में लिख दिए कि हम शिकायत वापस लेते हैं। लेकिन जब श्रवण कुमार और उनके दोस्त विद्यालय गए तो शिक्षक कृष्णकांत वर्मा ने कहा कि अपना मोबाइल लेकर आओ और अपनी शिकायत वापस लो। लेकिन श्रवण कुमार के द्वारा ऐसा नहीं करने पर विद्यालय से श्रवण कुमार एवं उसके दो साथियों को भगा दिया गया। विभाग से स्पष्ट आदेश है कि प्राचार्य भी अनिवार्य रूप से दो कालखंड आवश्यक रूप से पढ़ाएंगे, लेकिन श्री वर्मा की इतनी दादागिरी है कि आए दिन वो बच्चों को धमकाते रहते हैं, किंतु भयवश बच्चे मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। प्रभारी प्राचार्य कृष्णकांत वर्मा की धमकियों से बच्चे दहशत में हैं और उन्होंने विद्यालय जाना छोड़ दिया है। बच्चे ने वीडियो जारी कर प्रशासन से संरक्षण देने की गुहार लगाई है। अब देखना है कि प्रशासन ऐसे शिक्षक और उसकी पत्नी के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है। नमस्कार, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़हर जिला रीवा मध्य प्रदेश का एक छात्र हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार पांडे है। मैं कक्षा 11वीं में मैथ विषय से अध्ययन करता हूँ। मेरी सभी सब्जेक्ट अच्छे से लग रही हैं, लेकिन जो मैथ की सब्जेक्ट है, जो श्री यहाँ के प्रभारी जो हैं श्री कृष्णकांत वर्मा वो पढ़ाते हैं, वो क्लास कभी भी नहीं लगती है, और लगती भी है तो मानो नाम के लिए लगती है। एक या दो मिनट वो आके बता देंगे किसको ऐसा कर लो। और एक बार मैं उनके खिलाफ़ जब सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया 18 तारीख को जब मैं उनके खिलाफ़ कंप्लेन किया तो वो मुझे स्कूल में ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में बैठा के और मेरे से दबाव डालकर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन लिखी जाए जिसमें यह प्रमाणित होता है कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रहा हूँ। इसी बीच मेरे एक साथी ने, जो मेरा अच्छा मित्र है, उसने उनके इस व्यवहार की वीडियो बना ली। उस व्यवहार के चलते जब उन्हें पता चला कि यह वीडियो मेरे एक साथी ने बना ली है तो वह उनका फ़ोन लेके अपने घर तक चले गए। जब हम उनके घर गए तो हमें टीसी के नाम पर, फैल करने के नाम पर और कुछ पैसा देने के नाम पर बहुत डराया और धमकाया गया है। और मेरे
सभी दोस्त इतने डर गए हैं कि 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। जब हम 19 तारीख और 20 तारीख को स्कूल गए तो हमें और मेरे दो अन्य साथियों को स्कूल से बाहर कर दिया गया। बोला कि अब तू रुक ले, अब तू बहुत गंदा जाएगा और तेरी TC दे दी जाएगी, तू फेल हो जाएगा। इस प्रकार से जब मैं सत्य के खिलाफ खड़ा रहूँ तो इस प्रकार से मुझे दबाव डाला जा रहा है। कृष्णकांत सर की बीवी हैं, उनका नाम कल्पना है, वो भी PK स्कूल में एक टीचर हैं बायोलॉजी की, तो वो भी हमें बहुत डराई धमकाई, बोली कि हमारी पहचान तो कलेक्टरों से है, SPO से है, इस तुम्हारे छोटे से हेल्पलाइन से हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम अपनी हेल्पलाइन वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें फेल करा सकती हूँ, मैं कलेक्टर के पास भी जा सकती हूँ, मेरी इतनी पहुँच है कि मैं तुम्हें फैल के आप स्कूल से निकलवा सकती हूँ। तो अब आप लोग बताइए कि मैं सही किया हूँ कि गलत। इस प्रिंसिपल के कारण बहुत से छात्रों की जो मैथ लिए हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में है। ये तो ना पढ़ाते हैं और ऊपर से धमकियाँ भी देते हैं।